हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस हम आ गए हैं आपके लिए आज फिर से एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर के। कहाँ आ गए हैं आप देख चुके होंगे, थंबनेल देखकर के आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि हम कहाँ आ गए हैं और वीडियो में आपको दिख रहा होगा। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में कहाँ आ गए हुए हैं, ownbike.com में आ गए हुए हैं। और इसी का पहले नाम था bike24hour। तो गाइस इसका नाम चेंज हो गया है, onmoto.com नाम हो गया। और गाइस देख सकते हैं काफ़ी सारा बाइक यहाँ पे लगा हुआ है, ग्लैमर लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर एक TVS का बाइक है और यहाँ पर एक होंडा का बाइक आपको मिल जाए, जो SP काफ़ी रनिंग बाइक अभी चल रहा है मार्केट में। और इधर भी आप देख सकते हैं गाइस होंडा साइन, जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं माइलेज के लिए, काफ़ी अच्छा माना जाता है होंडा साइन को। और गाइस यहाँ देख सकते हैं हीरो का स्प्लेंडर लगा हुआ है, ब्लैक और ब्लू और सिल्वर कलर के मिक्सिंग में स्प्लेंडर बाइक है। यहाँ देख सकते हैं एक बजाज का, एक नई कंपनी के साथ बजाज का पल्सर लगा हुआ है, रेड और ब्लैक कलर के ग्रे में आपको मिल जाएगा। यहाँ गाइस देख सकते हैं बजाज का ही एक प्लाटिना लगा हुआ, काफी सारा कलेक्शन गाइस। और एक और कलेक्शन की बात करते हैं तो देख सकते हैं काफी धमाकेदार बाइक यहाँ पे लगा हुआ है, होंडा का गाड़ी लगा हुआ देख सकते हैं। देख सकते 350cc का बाइक है, देख सकते हैं काफी सारा इसका फीचर, बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है। वीडियो में आप लोग को सारा डिटेल तक का मिल जाए, आपको मिल जाएगा बाइक का। फिलहाल देखिए यहाँ पे एक अपाची भी लगा हुआ है रेड कलर में। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे का डिमांड आता है कि R15 के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस लो ये आ गया R15 के ऊपर वीडियो। और गाइस यहाँ पर एक NS है जो कि रेड और ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा, BR06 मुजफ्फरपुर नंबर है। और गाइस यहाँ देख सकते हैं एक बुलेट भी है, क्योंकि देख सकते चमचमाती हुई एकदम नई बुलेट है, सिल्वर और ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा। बाकी आपको बेसिक जानकारी आपको वीडियो में देते हैं, तब तक के लिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो भैया आज कहाँ से शुरू करने वाले हैं हम लोग? आज हम यहाँ ग्लैमर से शुरू करेंगे यार। बिल्कुल, क्या डिटेल होगा भैया इसका? इसका डिटेल गाड़ी 2017 की है, ठीक है, समस्तीपुर नंबर का, ठीक है, और ये चली हुई है 29,000, मात्र 29,000 किलोमीटर चली हुई है। और इसमें अगर रिकॉर्ड की बात करें, सर्विस रिकॉर्ड की, तो क्या इसका आएगा? सर्विस पर जिन्होंने है अगर आप चेक करवा सकते हैं उससे कोई, ठीक है। कौन सा ईयर का गाड़ी है ये? ये 2017 की गाड़ी थी। 2017 की गाड़ी है, कौन सा महीना हो गया? महीना इसका हो गया आपको 9 सितंबर 2017 गाड़ी हो गया। गाइज आप देख सकते हैं 9 सितंबर 2017 गाड़ी चमचमाता हुआ ग्लैमर है। साइड प्रोफाइल आप लोग देख पा रहे होंगे, मेन प्रोफाइल भी आप लोग देख लीजिए। क्या डिमांड आएगा भैया इसका? इसका रेट आएगा 44,000 रुपये। 44,000 रुपये गाड़ी का पड़ेगा, एडिशनल RTO चार्ज आपको 2,000 पे करना, ठीक है। अगर कुछ और भी इसमें डिस्काउंट भी हो सकता है क्या? डिस्काउंट तो सर मेरे यहाँ नहीं रहता है, वैसे आप आइएगा, आपके थ्रू आएंगे कोई तो उनके डिस्काउंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा गाड़ी कौन सा होने वाला है हमारा? आज दूसरा गाड़ी होगा, ठीक है, ठीक है। इसका क्या डिटेल होगा? ये 20 जनवरी 2018 की गाड़ी, ठीक है, और ये चली हुई है 26,000 किलोमीटर चला हुआ है। मात्र 26,000 किलोमीटर में आपको मुजफ्फरपुर BR06 का नंबर आपको मिल रहा है, नंबर देख लीजिए 08083। और गाइस साइड प्रोफाइल आप लोग देख पा रहे होंगे, टायर का भी कंडीशन आप लोग देख लीजिए, बाकी थोड़ा बहुत तो सेकेंड हैंड बाइक मैनेज आपको करना पड़ेगा। क्या डिटेल आएगा भैया इसका? ये 20 जनवरी 2018, ठीक है, और चली हुई है 26,247। बेसिक आपको जानकारी गाइस यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। इसका डिमांड क्या आ जाएगा इसका? इसका डिमांड पर इसका रेट है 39,000 रुपये और RTO चार्ज इसमें 2,000। 39,000 रुपये इसका रेट है, ओके। चलिए दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, ये होंडा का SP आ गया है, SP साइन है, ठीक है, 2018 मॉडल बाइक, ठीक है, 17 फरवरी 2018 की गाड़ी है, ठीक है, चली हुई 27,000 है, ठीक है, और इसका रेट हो गया 44,000 रुपये। तो गाइस 44,000 के रेट में आपको SP मिल रहा है यहाँ पे BR30 या 33। हाँ 33। क्या भैया इसका रेट बताएं इसका? इसका रेट पड़ेगा 46,000 रुपये। वैसे वीडियो के माध्यम से कोई कस्टमर आ रहे हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट हो जाएगा। तो गाइस आप लोग साइड प्रोफाइल आप लोग देख पा रहे होंगे, टंकी पे आप लोग देख लीजिए गाइस, कहीं से कोई भी स्क्रैच नहीं है। आप लोग मेन प्रोफाइल भी देख लीजिए, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं है। टायर का भी कंडीशन आप लोग देख पा रहे हैं, आगे डिस्क का भी कंडीशन देख लीजिए। बेसिक आप इस शॉप पे एक बार विजिट करें और बाकी आपको जानकारी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो भैया दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, ये भी हो गई होंडा की, होंडा का, ठीक है, होंडा का CB साइन है, 2017 मॉडल की गाड़ी है, ठीक है,
और ये चली हुई है आपको 30,000 समथिंग चली हुई है। ठीक है जी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये भी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी। ठीक है, मुजफ्फरपुर रजिस्ट्रेशन है, मुजफ्फरपुर रजिस्ट्रेशन है। इसका क्या डिमांड आ जाएगा? इसका आपको पड़ेगा 40,000 रुपये और प्लस आरटीओ का चार्ज 2,000 फिक्स है। ठीक है, तो गाइस 40,000 रुपया भैया ने इसका डिमांड रखा है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसका मेन प्रोफाइल, आप लोग यहाँ देख लीजिए, टंकी पे आप लोग देख लीजिए, कहीं से कोई स्पेस नहीं, चमचमाती हुई एकदम ब्रांड न्यू टाइप में है। बैक प्रोफाइल भी आप लोग देख लीजिए, कहीं से कोई स्पेस नहीं है, सीरियसली कहीं से कोई स्पेस नहीं है। टायर का भी कंडीशन देख लीजिए, एकदम नई टायर है, टायर भले ही चेंज की गई भी है लेकिन टायर एकदम नई है। और साइड प्रोफाइल आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेन प्रोफाइल भी आप लोग देख सकते हैं गाइस, काफ़ी एकदम चमचमाता हुआ बाइक है। और टायर का भी कंडीशन आप लोग देख लीजिए, आगे वाला डिस्क का कंडीशन देख लीजिए। बेसिक जानकारी के लिए आप इस शॉप पे विजिट करें, गाड़ी देख लें, अच्छी गाड़ी मिलती है इस शॉप पे। दूसरी गाड़ी की तरफ भैया बढ़ेंगे, हीरो का स्प्लेंडर, इसका क्या डिटेल होगा? हीरो का स्प्लेंडर है 13 जुलाई 2018। क्या क्या? 13 जुलाई 2018 की, 13 जुलाई 2018 का बाइक है। ये समस्तीपुर का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है ठीक है, और ये ICR है। ठीक है, क्या इसका डिमांड आ जाएगा? इसका पड़ेगा 45,000। 45,000 रुपया और 13 जुलाई 2018 का बाइक है, 45,000 रुपये का डिमांड है। और कुछ आने पे कुछ डिस्काउंट हो जाएगा प्लस आरटीओ चार्ज? आरटीओ चार्ज 2,000 सभी गाड़ी पर फिक्स करेंगे। ठीक है, तो गाइज आप लोग देख लो, बाकी अगर कोई अगर लेना चाहता हो इसको तो इस शॉप पे विजिट कर ले। बेसिक जानकारी आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा, वहाँ आप बात कर सकते हैं। दूसरी गाड़ी की तरफ भैया बढ़ेंगे, ये बजाज की पल्सर होगी 150 cc। ठीक है, 15 जून 2018 की गाड़ी है। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर रजिस्ट्रेशन है। कितना चला हुआ है? ये चला हुआ है 19,000 किलोमीटर चला हुआ है। 19,000 मीटर में कोई छेड़छाड़ तो नहीं ना? कोई मीटर हम लोग कम नहीं करते हैं। ठीक है, और मीटर जमीन है, आप चेक करवा सकते हैं सर्विस सेंटर। ठीक है, बाकी गाइस आप मेन प्रोफाइल देख लीजिए, टायर का भी कंडीशन आप लोग देख पा रहे हो, डिस्क का कंडीशन देख लीजिए, बैक प्रोफाइल आप लोग देख लीजिए गाइस, पीछे का भी टायर का कंडीशन आप लोग देख पा रहे होंगे, साइड प्रोफाइल आप लोग देख लीजिए, सब कुछ ठीक है, टनाटन है। और गाइस टंकी का कंडीशन देख लीजिए, एक भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी स्क्रैच नहीं है। और गाइस पल्सर में मेन खासियत होता है कि इसका दोनों आईज देख सकते गाइस, दोनों सही सलामत है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी स्क्रैच नहीं है। क्या डिमांड आने वाला भैया इसका? इसका 53,000 रुपया प्लस आरटीओ चार्ज प्लस। ठीक है, अगली गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, ये है बजाज की छोटी यहाँ। ठीक है, 100 cc। ठीक है, और ये चली, और ये 5 सितंबर 2018 की गाड़ी है। ठीक है, और ये चली हुई है 25,000। 25,000 किलोमीटर चली हुई है, इसका भी रजिस्ट्रेशन मुजफ्फरपुर का है, ये भी मुजफ्फरपुर का नंबर है। क्या डिमांड आ जाएगा इसका? इसका पड़ जाएगा 39,000 रुपया। 39,000 रुपये गाड़ी का। ठीक है, आरटीओ चार्ज सभी गाड़ी पर 2,000 रुपया है, आरटीओ चार्ज है। ठीक है, दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, नई वाली है जी, न्यू वाली। हाँ, न्यू वाली देख सकते हैं गाइस, नई वाली आपको मिल रही है आपको ओम मोटो डॉट कॉम पे। हाँ, क्या डिटेल आएगा भैया इसका? ये 1 नवंबर 2018 की गाड़ी है। ठीक है, दरभंगा नंबर रजिस्ट्रेशन है, दरभंगा नंबर रजिस्ट्रेशन है, हर जिले के गाड़ी में। हाँ, कितना चला होगा ये? ये चला हुआ 26,000 के आसपास। 26,000 किलोमीटर चला होगा। क्या डिमांड ले रहे इसका? इसका आपको पड़ जाएगा 40,000। 40,000 रुपये, तो गाइस 40,000 रुपये भैया ने आपको 18 मॉडल गाड़ी है, 40,000 रुपये भैया ने आपको रेट दे दिया है। साइड प्रोफाइल आप लोग देख लीजिए, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं गाइस, सीरियसली कहीं से कोई स्क्रैच नहीं है। आप लोग आगे का भी कंडीशन देख लीजिए, डिक्स भी आगे में है, अब पीछे डिक्स नहीं है, नहीं पीछे 100 cc में डिक्स नहीं आता। अच्छा अच्छा, पीछे 100 cc में पीछे आता ही नहीं डिक्स है, नहीं आता। ठीक है, और गाइस आपको पीछे का टायर का कंडीशन दिखा देते हैं, एकदम नहीं है गाइस, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पीछे देख लीजिए कहीं से कोई एक भी स्क्रैच गाड़ी में दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, भैया इसका डिटेल देंगे, ये है बजाज का पल्सर 125 cc। ठीक है, और कितना चला हुआ? हाँ, चला हुआ कितना है ये? चला हुआ 10,000, मात्र 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर चली हुई है। 2021 की गाड़ी, 2021 मॉडल गाड़ी है जी, कौन से महीना की है ये? आपको 22 फरवरी 2021 की जाएगी, 22 फरवरी 2021। क्या डिमांड ले रहे हैं इसका? इसका आपको पड़ जाएगा 68,000 रुपया। तो गाइस 68,000 रुपया 2021 मॉडल आपको मिल रहा है,
ommoto.com पे। और गाइस इसका साइट प्रोफाइल आप लोग देख पा रहे हैं, एकदम नई है गाइस, एकदम नई है, कहीं से कोई दिक्कत लग नहीं रही है। और एक इसमें दिक्कत दिखा है जो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका आइज नहीं है, इसका आइज नहीं है। तो गाइस इतना सेकेंड हैंड बाइक आपको मैनेज करना पड़ेगा। कहाँ की भैया ये रजिस्ट्रेशन है? ये रजिस्ट्रेशन इसका समस्तीपुर रजिस्ट्रेशन है। समस्तीपुर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है गाइस। जिसको भी लेना है यहाँ ommoto.com पे आप आ करके विजिट करके ले सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आएंगे तो भैया कुछ स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे। दूसरी गाड़ी तरफ भैया बढ़ेंगे, ये TVS का अपाचे 160 है, ठीक है ठीक है। और ये 9 अप्रैल 2019 की गाड़ी, ठीक है। और इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको मुजफ्फरपुर का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। कितना चला हुआ गाड़ी ये? मात्र 18,000 किलोमीटर। 18,000 किलोमीटर, क्या डिमांड है इसका? इसका 68,000 पड़ेगा, 68,000 प्लस RTO 2,000 रुपये। तो गाइस भैया ने इसका डिटेल दिया है और 68,000 रुपये इसका डिमांड है। आप देख पा रहे होंगे गाइस इसका पूरा कंडीशन आप लोग देख पा रहे होंगे, कहीं से गाइस कोई स्क्रेच नहीं है। एक भी गाड़ी मैंने सारा गाड़ी देखा, कहीं से कोई स्क्रेच नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का फल्का था जो ना ही दिखने के बराबर है। आपको आगे का टायर का कंडीशन आपको दिखला देते हैं, ये देख पा रहे होंगे आगे का कंडीशन। साइड प्रोफाइल यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस मेन प्रोफाइल आप लोग देख पा रहे होंगे, गाड़ी एकदम चमचमाती हुई नई बाइक है। तो दूसरी गाड़ी आ गई है गाइस, डिमांडेड गाड़ी आ गई है R15। क्या डिटेल होगा भैया इसका? ये ज्यादा दिन की बाइक नहीं है बिल्कुल, और ये यामाहा की R15 वर्जन 3 है जी बिल्कुल जी। और ये 10 अप्रैल 2021 की गाड़ी है। 10 अप्रैल 2021, कितना चला हुआ है? 13,000 किलोमीटर। ओनली 13,000 किलोमीटर, वाह 13,000 किलोमीटर गाइस मात्र चला हुआ है। और 2021 की बाइक है और मैट ब्लैक में है, जो कि काफ़ी लोग को यही कलर पसंद रहता है, काफ़ी लोग को ये चीज़ लेना रहता है। तो गाइस आ गया है ये गाड़ी आपको ommoto.com पे। तो इसका भैया क्या आएगा डिटेल, डिमांड क्या आएगा इसका? RTO हाजीपुर, हाजीपुर का नंबर है, देख सकते गाइस BR31AP 5529 हाजीपुर का नंबर मिल गया। क्या इसका आएगा भैया डिमांड? 1,43,000 रुपया। इसमें कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा? डिस्काउंट आपके माध्यम से आएंगे, हमारे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से गाइस आप आएंगे तो आपको ommoto.com पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाइक का आपको दिखा देते हैं, आपको टंकी आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, कहीं से कोई स्क्रेच नहीं है। आप लोग देख यहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ का मीटर देख सकते हैं गाइस। और गाइस आपको सीट का कंडीशन दिखला देते हैं, काफ़ी बचा हुआ गाड़ी है। और साइड प्रोफाइल आप लोग देख पा रहे हैं, टायर का कंडीशन देख लीजिए गाइस, थोड़ा सा गाइस मैनेज करना पड़ेगा सेकेंड हैंड बाइक में। मेन प्रोफाइल देख लीजिए गाइस और आगे का टायर का कंडीशन देख सकते हैं। 1,43,000 रुपया भैया का डिमांड है, प्लस 2,000 रुपया RTO का। दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, बजाज का NS बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसका रिटेल आएगा? इसका ये 4 अगस्त 2018 की गाड़ी है बिल्कुल, और ये मुजफ्फरपुर रजिस्ट्रेशन नंबर है बिल्कुल। मात्र 20,000 किलोमीटर है। क्या डिमांड आएगा इसका? इसका आपको 60,000 पड़ेगा, 60,000 पड़ेगा, ठीक है। 60,000 रुपये भैया का डिमांड है। साइड प्रोफाइल आप लोग देख लीजिए, टंकी का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, कहीं से कोई स्क्रेच नहीं है। और आगे का टायर का कंडीशन देखिए, डिस्क का कंडीशन देख लीजिए। बाकी आपको बेसिक जानकारी के लिए आप शॉप पे विजिट करें, काफ़ी सारा बाइक है, काफ़ी सारा कलेक्शन है। भैया ने कहा है कि और कलेक्शन इनका गोदाम में पड़ा हुआ है जी, हाँ कलेक्शन मेरा गोदाम में पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे भैया, बुलेट, क्या डिटेल आएगा इसका? ये क्लासिक 350 cc गाड़ी है बिल्कुल जी, और ये मात्र 19,000 किलोमीटर चली, मात्र 19,000 किलोमीटर चला हुआ है। कौन से साल की गाड़ी है ये? 5 सितंबर 2018 गाड़ी, यानी मात्र 19,000 किलोमीटर गाइस, एकदम नई जैसी कंडीशन है। देख करके बाइक लग ही नहीं रहा कि 19,000 किलोमीटर चला हुआ भी है। और आप टायर का कंडीशन देख लीजिए, रिम देख सकते हैं गाइस, कहीं से कोई ऐसा इसमें जंग लगा हुआ कुछ भी नहीं है गाइस, कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं दिख रहा है गाड़ी में। क्या भैया इसका डिमांड क्या आ जाएगा? इसका आपको रेट पड़ेगा 1,21,000 रुपये, 1,21,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये RTO बिल्कुल। तो गाइस आज की लास्ट बाइक होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार बाइक है होंडा का। इसका भैया क्या रिटेल आएगा? ये होंडा का हाईएस है 350 cc बिल्कुल, मात्र 4 महीने की बाइक, मात्र 4 महीने की बाइक, वाह।
और ये मुजफ्फरपुर रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल, कितना चला हुआ है ये? मात्र 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर गाइस मात्र चला हुआ है और मात्र 4 महीना की बाइक है। बाइक का कंडीशन आप लोग देख पा रहे हो, कहीं से कोई स्क्रेच नहीं है, कोई भी स्क्रेच नहीं है। आगे का टायर का कंडीशन आप लोग देख लीजिए, एकदम नई जैसी कंडीशन है, कोई सा दिक्कत ही नहीं दिख रहा। डिस्क का कंडीशन आप लोग देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। साइड प्रोफाइल आप लोग देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए, और बैक प्रोफाइल आप लोग देख लीजिए गाइस, कितना अच्छा लुक है गाइस। और इसका आगे का आपको व्यू दिखा देते हैं, मीटर का आप लोग गाइस मजा लेते होंगे और देख लीजिए गाइस क्या इसका सिस्टम है, फंक्शन देख लीजिए। 8586 किलोमीटर रन है गाइस। इसमें सिस्टम एक टाइमिंग का भी सिस्टम है, ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ भी है। क्या इसका डिमांड आएगा भैया? इसका आपको 1,50,000 रुपया। 1,50,000 रुपया प्लस 2000 RTO। और गाइज अगर किसी को भी ये बाइक लेना है, किसी को भी लेना है इस वीडियो के माध्यम से आएंगे तो 1-2000 रुपया कम हो जाएगा बिल्कुल। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक रहा और वीडियो होप आप इंजॉय किए होंगे। भैया ने आपको जो जो जानकारी दिया है, आपको जो जो नहीं समझ में आया होगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो मैं फिर से बता दूँ कि मैं आया हूँ आज ommoto.com पे। सारी गाड़ियाँ का कलेक्शन आपको मिल चुका हुआ है और भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो गोदाम में भैया का पड़ा हुआ है। आपको जो भी गाड़ी चाहिए, जैसा भी गाड़ी चाहिए, जिस रेट में चाहिए, एक बार आप यहाँ विजिट करें ommoto.com, मुजफ्फरपुर, अमर सिनेमा रोड छोटी कल्याणी मुजफ्फरपुर। तो गाइस आप यहाँ विजिट करें, होप आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे इस वीडियो से। और आपको जो भी जानकारी चाहिए, बेसिक जानकारी जो मैं वीडियो में नहीं दे पाया, वो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ का नंबर मिल जाएगा, तो आप यहाँ बात करके वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे इसी तरह किसी और वीडियो में कुछ नए धमाकेदार वीडियो के साथ। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी बनी है और आपका कौन सा वीडियो का डिमांड है वो बता देना है, ताकि मैं आपके लिए उस तरह का वीडियो ला सकूं। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद, वंदे मातरम।